अगर आप वो एक जियो यूज़र तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जियो के कुछ प्लान्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हो इस ब्लॉग, से चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जियो ने लॉन्च किया है रिपब्लिक डे ऑफर प्लान, जहाँ पे आप लोगों को पहले मिलता था 1 GB डेटा पर डे, वहाँ पे अभी आप लोगों को मिलेगा 1.5 GB का डेटा उसी सेम प्लान पे। मतलब अगर आप रिचार्ज करते थे पहले 399 का, तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाता था 84 डेज का एक डेली 1 GB, यहाँ पे आपको डेली 1.5 GB का डेटा मिलेगा। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ उसी प्लान्स के बारे में। और दोस्तों मैं आज आप लोगों को ये भी पता हुआ कि कैसे आप माई जियो वाउचर जो होता है वो यूज़ करके, वो रिडीम करके आप कैसे एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट कर सकते हो अपने रिचार्ज के टाइम पे। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों जियो ने रिपब्लिक डे ऑफर के लिए 3 कैटेगरी में ऑफर लेके आया है आपके लिए। पहला जो कैटेगरी है वो है फ्री वॉइस कॉलिंग एंड लिमिटेड डेटा, जहाँ पे आपको सिर्फ मिलेगा 2 GB का डेटा 28 दिनों के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक और प्लान लेके आया है जियो ने, आज ही लेके आया है, जो मेरे पास अभी पिक्चर नहीं है। वहाँ पे आपको लगेगा 49 रुपीज़ एंड 1 GB डेटा 28 दिनों के लिए, ठीक। दोस्तों सेकेंड जो कैटेगरी निकल के आता है वो है 1.5 GB डेटा पर डे। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत तरह तरह के रिचार्ज मिल जाएगा, जैसे कि 149, 349, 399 एंड 449। दोस्तों यहाँ पे जो डिफरेंस जो है वो है सिर्फ वैलिडिटी का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिचार्ज करते हो 149 का, तो आपको मिलता है 28 डेज का वैलिडिटी। उसी करके अगर आप 399 का रिचार्ज करते हो, तो आपको मिलता है 84 दिन का वैलिडिटी। दोस्तों यहाँ पे जो बेस्ट रिचार्ज है अकॉर्डिंग टू मी वो है 399 का, क्योंकि आपको मिलता है 399 पे डेली का 1.5 GB और साथ ही साथ 84 दिन का वैलिडिटी, ठीक है। तो मेरा हिसाब से 399 बेस्ट है इस कैटेगरी में। अगला जो कैटेगरी निकल कर आता है वो है 2 GB डेटा पर डे। दोस्तों यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा रिचार्ज करने के लिए, और स्टार्टिंग जो ऑप्शन होता है वो है 198 का। यहाँ पे आपको 198 में 2 GB डेटा पर डे 28 दिनों के लिए मिलेगा, और एकदम लास्ट में जो है 498, यहाँ पे आपको 91 डेज के लिए 2 GB डेटा पर डे मिलेगा। ये जो 2 GB का डेटा पर डे, यहाँ पे 448 का जो प्लान है ये बेस्ट प्लान है अकॉर्डिंग टू मी। दोस्तों अगला जो मैं बात करने वाला हूँ वो है कि कैसे आप माई वाउचर को यूज़ करके 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर सकते हो। तो दोस्तों एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ डिस्काउंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो जियो वाउचर्स होता है वो वाउचर से रिडीम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको माई जियो ऐप्स खोलना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे रिचार्ज जो ऑप्शन होता है रिचार्ज ऑप्शन में क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 1.5 GB का डेटा पैक या फिर 2 GB का डेटा पैक। तो मैं फिलहाल 1.5 GB का डेटा पैक करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं 1.5 GB का डेटा पैक रिचार्ज करना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आप चाहे तो 2 GB का डेटा पैक यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो, मैं 1.5 GB का डेटा पैक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं 1.5 GB डेटा यहाँ से करता हूँ, और फिर यहाँ पे 399 का जो 84 डेज वैलिडिटी है यहाँ पे मैं बाई करता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बाई कर देता हूँ, बाई पे क्लिक किया। दोस्तों बाई पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लान प्राइस ₹399 एंड ऑफर वाउचर अप्लाइड ₹50, टोटल अमाउंट 349। मतलब हमें अभी 349 पे करना पड़ेगा, ठीक है, 349 पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए इतना सारा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर पेटीएम से भी कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल पेटीएम से करना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं अभी पे क्लिक कर रहा हूँ, पेटीएम के पे क्लिक कर दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरे को अपना खुद का नंबर देना पड़ेगा, तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर देने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ठीक है, मेरा जो वॉलेट बैलेंस है यहाँ पे 698 पेटीएम पे है, ठीक है। तो वहाँ से मेरा क्या कटेगा, 349 रुपीज़ कट जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अभी देखिए मेरा 399 का रिचार्ज हो गया है, ठीक है। मैं डन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, और फिर मैं अपने जो प्लान्स है मैं प्लान्स पे एक बार देख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा करेंट प्लान चल रहा है, ठीक है। ये ख़त्म हो जाने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जो अपकमिंग प्लान ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को 1.5 GB का डेटा पर डे मिलेगा और वैलिडिटी 84 डेज, ठीक है। पेटीएम पे जाके चेक करता हूँ कि पेटीएम से कितना रुपीज़ काटा है, ठीक है। तो मैं पेटीएम खोलता हूँ,
पेटीएम खोलने के बाद यहाँ पे मेरे को पासबुक में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि मेरा जो पेड फॉर रिलायंस जियो 349, मतलब मैं 349 रुपीज़ में 399 का जो रिचार्ज होता है मैं वो कंप्लीट कर चुका हूँ। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी 50 रुपीज़ डिस्काउंट करके 50 रुपीज़ वाउचर रिडीम करके रिचार्ज कर सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।